तो फाइनली ये भी खत्म हो ही गया। डीमन स्लेयर स्वॉर्ड्स में तार का कल लास्ट एपिसोड आया एंड वैसे तो मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट इसकी फाइनल फाइट से आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की फाइट के बाद ये फाइट कसम से ऐसी लग रही थी जैसे कि मजाक चल रहा है, और वो भी तब जब इसमें दो अपर मून थे। स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसको 10 out of 10 दूंगा। जिस तरह से इसने नेजुको, मुजान एंड ब्लू स्पाइडर लिली को एंड डीमन क्योर को सेटअप किया, बट फॉर एक्शन जो कि आएगा इस सीरीज की मेन चीज है, मैं इसको सिर्फ 5 out of 10 देना चाहूंगा क्योंकि इसमें एक्शन बहुत मीडियम लेवल का था। चलो अब अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा साइड में रखकर इस एपिसोड के ब्रेकडाउन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो तांजिरो का थंडर ब्रीदिंग यूज करना, दैट थिंग वाज कंप्लीटली इनक्रेडिबल एंड अनएक्सपेक्टेड। अब अगर आप भी कंफ्यूज है कि तांजिरो थंडर ब्रीदिंग कैसे यूज कर पाया, तो लेट अस टेल यू द रीजन। तांजिरो सन ब्रीदिंग यूज कर सकता है एंड बाकी सभी ब्रीदिंग भी उसी से बनी हुई है। तो तांजिरो ना कि सिर्फ थंडर ब्रीदिंग बल्कि बाकी सारी ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकता है, उसको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद जरा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल पर ध्यान देते हैं। रिमेंबर जब नेजुको ने अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज किया था तांजिरो को बचाने के लिए अपर मून 4 पर, तब गेन्या को भी बर्न हो रहा था डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके ब्लड डीमन आर्ट से किसी भी ह्यूमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटी सी डिटेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि हमें ये क्लियर करती है कि गेन्या किसी भी डीमन के बॉडी पार्ट को खाकर सिर्फ उसकी पावर्स को, सिर्फ डीमन की पावर्स को अडैप्ट नहीं कर लेता, बल्कि वो खुद पूरी तरह से एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हमें इसमें ये भी जानने को मिला कि अपर मून की पावर इन्फिनिट नहीं है, जिसको वो जितना चाहे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने अपर मून 4 को बोलते हुए सुना है कि उसकी बाकी सारी फॉर्म्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है एंड इस पावर डिप्लीशन ने उसको एक ह्यूमन कंज्यूम करने पे इतना ज्यादा डेस्परेट कर दिया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि सनराइज होने वाला है एंड ही शुड टेक अ शेल्टर। उसकी इतनी ज्यादा डेस्परेशन का मतलब यह कि थ्रू आउट द बैटल उसकी बाकी सारी फॉर्म्स उसकी पावर का मेजर पार्ट यूज कर रहे थे। हमें इस एपिसोड में जिस तरह दिखाया गया कि तांजिरो ने अपर मून 4 की गर्दन को इतनी ज्यादा स्मूथली काट दिया, अनलाइक द टाइम ऑफ रूई एंड डाकी, इट हैज अ रियली गुड रीजन बिहाइंड इट। तांजिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क का यूज कर रहा था एंड हिनोकामी कागुरा जो कि सन ब्रीदिंग है, वी ऑल नो कि वो डीमंस पर कितनी ज्यादा इफेक्टिव है एंड उस पर 4 चांद लगाया उसकी नई स्वॉर्ड ने जो कि वी ऑल नो कि किसकी है। वो स्वॉर्ड एंड हिनोकामी कागुरा एक साथ इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके साथ हमें अपर मून 4 की गर्दन को इतनी स्मूथली स्लाइस होते हुए देखकर भी हैरान नहीं होना चाहिए, इवन विद द फैक्ट कि वो स्वॉर्ड अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थी। वो स्वॉर्ड खुद में एक लेगेसी है जिसकी हीट वेव को डिफीट करना अपर मून 4 के बस की बात नहीं थी एंड टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा सा डम भी था। इस एपिसोड का जो मेन सेलिंग पॉइंट था जो कि आई एम श्योर काफी सारी ऑडियंस को पसंद आया होगा, वो है नेजुको का सन कॉन्कर कर लेना। वी रेड सम कमेंट्स एंड सभी लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाइप हो गए थे, बट हम इस पर बोलना चाहेंगे रुको जरा, सबर करो और सीजंस का वेट करो, देयर इज अ लॉट टू कम। बट कसम से नेजुको का बोलने की कोशिश करने वाला सीन वाज ट्रूली ब्यूटीफुल। अब इस एपिसोड को देखने के बाद लोग मित्सुरी को साकुरा से कंपेयर करने लग गए, ये बोलते हुए कि वो बहुत ज्यादा वीक है एंड शी वाज अबाउट टू डाई अगर तांजिरो सही समय पर मेन बॉडी को नहीं काट देता। तो लेट मी पुट सम फैक्ट्स फॉर यू। अपर मून 4 की मेन बॉडी से तांजिरो, गेन्या एंड नेजुको साथ मिलकर लड़े थे, जिसमें कि गेन्या के पास डीमन एबिलिटीज थी, नेजुको तो रियल में एक डीमन ही थी अलोंग विद हर ब्लड डीमन आर्ट जो कि एक डीमन के मेन फैक्टर रीजनरेशन तक कोई स्लो डाउन कर देती थी, एंड तांजिरो अपनी न्यू लेजेंडरी स्वॉर्ड एंड अपने सन ब्रीदिंग के साथ। सामने अपर मून 4 के फॉर्म एंगर के साथ मित्सुरी अकेली ही लड़ रही थी विद एवरीथिंग शी इज गॉट, एंड अपर मून 4 का रियल फॉर्म उसकी मेन बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल है, रियल बॉडी उसका 60% भी नहीं है एंड उसको पूरी रात रोक कर रखना इट इज मोर इंप्रेसिव देन यू थिंक। एंड आई डोंट थिंक कि नेजुको, तांजिरो एंड गेन्या उससे पूरी रात इस तरह से लड़ भी पाते, बट मित्सुरी उसकी रियल बॉडी से बहुत ज्यादा आराम से लड़ लेती। ये फैक्ट इनफ होना चाहिए ये बताने के लिए कि मित्सुरी सच में कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद मुजान को पता चला कि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है एंड इफ यू आर वंडरिंग कि उसको कैसे पता चला, तो वो हमारे अपर मून 4 की वजह से। जब वो मरने वाला था उससे जस्ट पहले उसने मुजान को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया यूजिंग देयर ब्लड विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड इसी वजह से मुजान ने उसको थैंक यू भी बोला। इस एपिसोड में मिस्तामायो ने अपने लेटर में एक चीज मेंशन की जो कि उन्होंने तांजिरो को भेजा था कि नेजुको को इन सब चीजों से काफी पहले ही इम्यून हो जाना चाहिए था, बट उसकी प्रायोरिटी शायद से कुछ और हैं जिसकी वजह से वो होल हार्टेडली क्योर होना ही नहीं चाह रही है। वेल अकॉर्डिंग टू मी नेजुको की प्रायोरिटी तांजिरो को सेफ रखना है। उसको पता है कि अगर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में चली गई तो फिर वो तांजिरो को सेफ नहीं रख पाएगी, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली ये चाहती है कि वो अपने इसी डीमन फॉर्म में रहे ताकि वो तांजिरो को बचा सके और उसके साथ लड़ सके। ओके, तो लास्ट टॉपिक है मुजान का कन्फेशन। मुजान ने कन्फेस किया कि वो कभी डीमंस बनाना ही नहीं चाहता था, बट ही हैड टू ताकि वो उसको हेल्प कर सके सन से इम्यून होकर मुजान को इमॉर्टल बनाने में, एंड इसके पीछे है मुजान का डर। वो अपने जैसे और डीमन इसलिए नहीं बनाना चाहता था क्योंकि उसको डर था कि अगर कोई डीमन उससे ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो मुजान को ही मार देगा। इसी रीजन की वजह से मुजान जिसको भी डीमन बनाता है वो उसके साथ साथ उनको एक कर्ज भी देता है, वो जब चाहे किसी भी डीमन को इंस्टेंट मार सकता है क्योंकि वो सभी डीमन की बॉडी में ऐसी चीजें इम्प्लांट करता है जो कि उनकी जान ले सकता है, बस मुजान को सोचने तक की देरी है। आई गेस हमने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक है जो कि हमने गलती से मिस कर दिया हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए।
चाहिए, हम उसके ऊपर फॉर श्योर वीडियो लाएंगे। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर आप वो भी पूछ सकते हैं, हम किसी शॉर्ट में या फिर प्रॉपर वीडियो में उसको बिल्कुल मेंशन करेंगे। सो वी होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही कॉन्टेंट लाते रहेंगे, तो टिल दी नेक्स्ट वीडियो। आरा आरा, सायोनारा।